वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सब तो पहला तो मैं मनवीन कौर पावा सारे प्रबंधकों का साखी नूं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जन जन नूं पहुँचाने वास्ते उपराला करन वास्ते बहुत बहुत तहे दिलों शुकराना अदा करती हाँ। तो आईया संगतां नूं सारे श्रोतावां नूं जी आया नूं आखती हाँ। अज असी सिख धर्म के संस्थापक नाम के जहाज सचदा मार्ग दर्श दसण वाले ते उपदेशक धर्म की पौड़ी के उपदेशक बाहरी अडंबर ते कुसंगतियां तो अगाह कराण वाले एक ओंकार दा जाप देण वाले परम पिता परमात्मा दे विशेष दूत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी की बचपन की साखी बारे चर्चा करांगे, जिन्हां ने किरत करो नाम जपो ते वंड छको दा पाठ पढ़ाया ते समझाया कि सतनाम वाहिगुरु ही करता पुरख हन, उही सारी सृष्टि दे रचियता हन, वो एक हन, एक ही परमात्मा दा ध्यान करना चाहिदा है। सानू केवल एक ते एक परमात्मा दा नाम जपदे होए शुभ कर्म करदे रहना चाहिदा है। ईश्वर ते हर जगह सर्वव्यापक है, हर जगह ते मौजूद है, कण कण विच मौजूद है, इस करके उसनू अपने अंदर ही खोजना चाहिदा है। सानू परम पिता नू अपने अंदर ही खोजना चाहिदा है। ईश्वर एक है ते उस एक नू पाण वास्ते सानू भी एक बनना होवेगा। इसका मतलब है सानू ईश्वर दे गुण धारण करने होंगे। जदों असी एकांत विच उसका नाम जपते हाँ तो असी उस दे नाल एक मिक हो जाते हाँ। ईश्वर नू ध्यान वास्ते परमात्मा नू पाण वास्ते सच्चे मार्ग ते चलना ते शुभ शुभ गुणा नू धारण करना ही गुरु नानक देव जी का उपदेश है। गुरु नानक देव जी के आत्मिक उपदेशों नू जानने तो पहला असी उन्हां दे जीवन के बारे संखेप विच जानकारी हासिल करदा करदे हाँ। गुरु नानक देव जी का जन्म सन 1469 विच होया ते जगह सी राय भोए की तलवंडी, जिसनों अजकल ननकाणा साहिब कहा जाता है। पिता का नाम कल्याण दास मेहता कालू जी ते माता तृप्ता जी सन। उन्हां दी भैन जी का नाम नानकी जी सी ते उन्हां दे पति का नाम जयराम जी सी। श्री गुरु नानक देव जी ने पंडित गोपाल दास, पंडित ब्रिजलाल ते मौलवी कुतुबुद्दीन तो शिक्षा प्राप्त की थी। श्री गुरु नानक देव जी का आनंद कारज सन 1487 विच बीबी सुलखनी जी नाल होया। उन्हां दियां दो संतानां सी। वड्डे पुत्र श्री चंद जी का जन्म 1494 विच ते छोटे पुत्र लक्ष्मी दास जी का जन्म 1496 विच होया। उन्होंने चार धार्मिक यात्रावां कीतियां जिन्हां नूं उदासियां कहा जाता है। भाई मरदाना जी हमेशा उन्हां दे नाल रहिंदे सन ते रबाब बजांदे सन। पहली उदासी उन्होंने सनातन हिंदू धार्मिक केंद्रां वल कीती ते दूजी उदासी बौद्ध धार्मिक केंद्रां वल, तीजी उदासी उन्होंने नाथ के धार्मिक केंद्रां वल कीती। जद वो कैलाश समेरू पर्वत ते योगियां नाल सिद्ध गोष्ठी कर रहे सी ते योगी इन्ने प्रभावित होए कि उन्होंने उस थां दा नाम गोरख मता तो बदल के नानक मता रख दिता। चौथी उदासी उन्होंने इस्लामिक धार्मिक केंद्रां वल कीती। वह बाबर दे समकालीन सी। गुरु नानक देव जी ने बाणी का बीज बोया, एक ओंकार की वडियाई की, संगत पंगत पंगत की स्थापना की, गुरु परंपरा की शुरुआत की। नाम जपना ही सच्ची आरती दसिया। उन्हां दी मुख बाणी जपजी साहिब है,
जो पंजां बाणियां में सम्मिलित है। उन्होंने 974 शब्द 19 रागां विच दित्ते। पहला मिशनरी केंद्र मंजी साहिब उन्होंने भाई लालो जी के घर बनाया। उन्होंने भाई लहना जी नूं गुरु अंगद देव जी नूं दूजा गुरु थापिया ते करतारपुर नगर बसाया ते उत्थे पहले गुरुद्वारे की संगत घर की स्थापना की। सन 1539 विच करतारपुर विखे ही ज्योति जोत समा गए। आओ असी हुण धन धन श्री गुरु नानक देव जी के बचपन दियां कुछ जन्म साखियां ते चर्चा करते हाँ। गुरु नानक देव जी का जन्म प्रकाश शुक्ल पक्ष की कतक सुदी पूर्णिमा दिन सोमवार को पिता कल्याण चंद मेहता कालू जी क्षत्रिय के घर माता तृप्ता जी की कुख तो राय भोए की तलवंडी जिसनों अजकल ननकाणा साहब कहा जाता है विखे होया। उन्हां दी उपजाति बेदी सी। उन्हां दे प्रसूति कारज विच दाई दौलता ने सहायता की। उसके कथनानुसार नवे बालक ने रोण की थां हंसते हुए इस समाज विच प्रवेश किया। उन्हां दे जन्म ते सारे नगर विच खुशियां मनाईया गई। उन्हां दी भैण का जन्म 1464 विच होया जिन्हां का नाम नानकी सी जी सी ते बाद विच उह बेबे नानकी दे नां नाल जाने गए। कुछ दिनों बाद पिता कल्याण चंद जी ने अपने पांधे पंडित हरदयाल जी तो जन्म पत्री बनवाई ते पांधे ने भविष्यवाणी की थी कि बालक ग्रह नक्षत्र अनुसार कोई दिव्य ज्योति वाला पुरुष बनेगा। कुछ दिनों बाद शुभ लगन देख के पंडित हरदयाल जी ने बालक नूं नानक नाम दिता। गुरु नानक जी अपनी उम्र के बच्चों नाल खेडन लगे। छोटी उम्र विच ही नानक जी सब बच्चों नूं सत करतार का पाठ पढ़ाते सन। 5 साल की छोटी उम्र विच ही बच्चों नाल खेड खेड विच मंडलियां बना के ज्ञान गोष्ठियां करते सन जो कि बच्चों नूं बहुत भांदियां सन। कुछ बच्चे नानक जी की अगवाई विच रहन लगे। नानक जी खेड खेड विच ही मार्ग दर्शन करते सी। सच समानता ते बहादुरी का पाठ पढ़ाते सन। सारे बच्चे खेडां वास्ते नानक जी नूं उड़ीकदे रहिंदे सन। उन्हां दे बिना सारियां खेडां अधूरियां सन। उह घरों खाण पीण दीआं चीज़ां लिआंदे ते सारे बच्चियां विच समानता नाल वंड देंदे। जरा भी छीना झपटी नहीं होण देंदे। सारे तलवंडी शहर विच इस अनोखे बालक दे अनोखी खेडां दी चर्चा होण लगी कि इन्नी छोटी उम्र विच यह बच्चा किवें ईश्वर दा नां जपांदा है ते सारियां नूं मार्गदर्शन करता है। नानक जी नूं सारे प्यार करन लगे ते सत्कार भी करन लगे। माता तृप्ता जी इस अनोखे बच्चे नूं पा के बहुत खुश सन। पर यह गल कि नानक जी ईश्वर दे भेजे हुए एक महान दूत हन सिर्फ और सिर्फ उन्हां दी भैन जी नानकी जी ही समझते से। वो समझ गए सी कि यह कोई आम बच्चा नहीं सगों ईश्वर की खास देन है। कई बारी ते यूं जापदा सी कि कई दिव आत्मावां उस बच्चे दे शरीर विच प्रवेश कर गई हन। जदों नानक जी 7 साल दे होए ते पिता मेहता कालू जी ने उन्हां दी शिक्षा दा प्रबंध पंडित गोपाल दास जी दी पाठशाला विच कर दिता जिथे वो देवनागरी दी वर्णमाला सीखण लगे।
जिस अखर नू याद करन नू बच्चियां नू कई कई दिन लगदे, नानक जी एक वारी विच ही कंठस्थ कर लैंदे। उन्हां दी प्रतिभा तो पंडित गोपाल दास जी बड़े खुश सन। एक दिन नानक जी ने पंडित जी नू सवाल किया कि पंडित जी, तुसी सानू सारी वर्णमाला ते सिखा दित्ती है, हुण इन्हां दे अर्थ भी दसो। पंडित जी यह सुन के हैरान हो गए, क्योंकि ऐसा सवाल इस तो पहला किसी भी बच्चे ने नहीं किया सी। तां पंडित जी कहन लगे, बेटा नानक, यह ते सिर्फ अक्खर हन जिन्हां दे योग नाल वाक दी उत्पत्ति होंदी है। जेकर तुहानू इन्हां दे अर्थ पता होण ते सानू दसो। गुरु नानक देव जी ने कहा, क अखर कहिंदा है कि कक्के केस पुंडर जबुए, बिन साबूने उजलिया, जम राजे के हेरू आए, माया के संग बंध लिया। ऐ शब्द राग आसा विच अंग 432 ते अंकित है। मतलब जदों बंदे मनुख दे केस बुढ़ापे विच बिना साबण प्रयोग किते सफेद हो जाते हैं, ता मन लो यमराज का सनेहा मिल रहा है। पर व्यक्ति प्रभु का चिंतन ना करके माया दे बंधना विच उलझिया रहता है। गोपाल पंडित जी ने हैरान होके पूछया कि तेनू वर्णमाला दे सारे अखरां दे मतलब आंदे हन? ते उन्होंने एक एक करके पूरी वर्णमाला दे आत्मिक अर्थ दस दिते। पंडित जी दी हैरानी दा ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पूछया, बेटा तुसी ए विद्या कित्थों पाई है? ते नानक जी चुप रहे। तद उन्होंने नानक जी नूं कहा कि कल अपने पिता जी नूं नाल लेके आओ। जदों पिता कालू पंडित जी कोल पहुंचे, ते पहले ते उन्होंने उन्हां दा बहुत सत्कार किया, फिर कोल बिठा के कहन लगे कि नानक बहुत ही होनहार लड़का है, इसनू किसी ज्ञानी पुरख कोल ही शिक्षा लेनी चाहिए है। ऐ तां कोई उच्ची कुदरत दा स्वामी है। पर कालू जी दे बार बार जोर देण नाल गोपाल जी ने उन्हां नूं शिक्षा देना शुरू किया। 3 साल दे अंदर ही नानक जी ने अपनी सारी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर ली, ते 10 साल की उम्र विच ओ पंडित ब्रजलाल जी तो संस्कृत की शिक्षा लैन लगे। 2 साल की घट मियाद विच ही नानक जी ने सारे ग्रंथां की पढ़ाई कर ली, ते शास्त्रार्थ भी सीख लिया। पंडित ब्रजलाल जी इतने मेघावी शिष्य नूं पा के बड़े खुश सन, पर हैरान नहीं, क्योंकि उन्होंने पंडित हरदयाल ते गोपाल दास तो उन्होंने बारे सुनिया होया सी। एक बार नानक जी हथ विच एक किताब लेके देख रहे सन। पिता कालू जी ने पूछया, नानक की पढ़ रहा है? ता उन्होंने कहा, पिता जी गीता पढ़ रहा हाँ। उस समय उन्होंने उन्होंने पुरोहित गोपाल दास जी भी आ गए, कहन लगे, ठीक है सानू गीता सुनाओ। केवल 8 साल की उम्र विच ही गुरु नानक देव जी ने सारी गीता अर्था समेत इन्ने सोहने ढंग नाल सुनाई, जिसनों सुन के सारे हैरान रह गए। जदों नानक जी 10 साल दे हुए, ते पिता जी ने कुल रीति अनुसार जनेऊ धारण की रीति का एक समारोह आयोजित किया, ते पांधा पंडित हरदयाल जी नूं इस कारज लई सद्या गया। जनेऊ की सारी विधियां नूं पूरन करन तों बाद जदों पंडित जी नानक जी नूं जनेऊ पाउण वास्ते अगे वधे, ते नानक जी ने उन्हां दा हथ फड़ लिया, ते पुछया, पंडित जी जो धागा तुसी मैनू पाउण जा रहे हो, उसका मैनू की फायदा होवेगा? पंडित जी हैरान सन, क्योंकि अज तक किसी ने एहो जे सवाल नहीं पूछे सन। तद पंडित जी ने
शास्त्रानुसार जनेव की व्याख्या करना शुरू कर दिती कि यह धागा नहीं पवित्र जनेव है जो कि उच्ची जाति की निशानी है। शूद्रा नूं यह जनेव पाउण दा हक नहीं है। इसनू धारण करके तुसी पवित्र हो जाओगे ते यह जनेव अगले जन्म विच वी तुहाडी सहायता करेगा। पर नानक जी इस जवाब नाल संतुष्ट नहीं हुए ते कहन लगे, पंडित जी मैनू एक शंका है। पंडित जी बोले, पुछो पुत्र तुहानू की शंका है? नानक जी कहन लगे, मेरे विचार विच ते यह धागा मनुख मनुख विच विभाजन करके मतभेद पैदा करता है। बिना किसी आधार ते किसी नू उच्चा ते किसी नू नीवा बना देंदा है। इतना ही नहीं, ऐते भैण भरावां विच वी विकरा करता है। नारी नू जनेव धारण दा अधिकार नहीं दिता गया ते उन्हां नू पुरुष दी समानता तों वंचित रख्या गया है। मेरे हिसाब नाल उच्च जाति दा ते ओह है जिन्हें उच्चे ते नेक काम कीते होण। पवित्र ओह है जो पवित्र कर्म करता है। यह धागा ते कच्चा है, थोड़े दिन विच मैला होके टुट जाएगा ते दूजा धागा पाना पवेगा ते यह दूसरे जन्म विच किवें सहायता करेगा जदों के यह ते इस जन्म विच ही मरण तो बाद शरीर नाल ही जल बल जाएगा। इसलिए मैनू अजिहा धागा पाओ जो कदे मैला ना होवे, ना टुटे और हमेशा मेरे नाल रहे, मैनू भैड़िया कर्मां तो बचावे ते नेक कर्म करवावे ते अगले संसार विच भी मेरी सहायता करे। जेकर एहो जा जनेऊ तुहाडे कोल है ते ओह मैनू पा दिओ। तां पंडित जी ने पुछया, तुसी दसो सानू किहो जा जनेऊ पहनना चाहीदा है? तां नानक जी कहण लगे, सब तों पहलां तरस दी कपा बनाओ, उस तों संतोख रूपी सूत कत्तो ते सच दा उसते वट लगाओ ते जति पत दी गठ लगाओ। जे कोई पुरख ऐसा जनेऊ गल विच पा लैंदा है ते ओ मेरी नज़र विच धन है। दया कपाह संतोख सूत जत गंडी तत वट, एह जनेऊ जियदा हईत पाडे कत। ना ए टुटे ना मन लगे, ना ए जले न जाए, तन सुमानस नानका जो गल चले पाए। राग आसा अंक 471 ते अंकित है। यह सुन के किसी ने भी नानक जी का विरोध नहीं किया ते उन्होंने जनेऊ पाण लई जबरदस्ती नहीं कीती। इस तरह गुरु नानक देव जी दियां बचपन दियां अनेकां साखियां हन जिन्हां चों सानू ज्ञान प्राप्त होंदा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।